हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। KGF मूवी के मेकर प्रशांत नील और हम वाले प्रोडक्शन है, उनके बीच में एक मूवी अभी आई थी, सलार पार्ट वन सीज फायर, या फिर सलार सीज फायर ऐसा कुछ करके। लेकिन सलार पार्ट टू का जो है ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें सलार की, तो सलार की जो स्टोरी है वो दो दोस्तों की है, जो कि एक दूसरे के लिए मरने और मारने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन सच में बोलूँ तो ऐसी आप स्टोरी ऐसा नहीं बोल सकते। बस एक देवा एक ऐसा करेक्टर है प्रभास का, जो कि अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, यानी कि किसी की भी गर्दन उड़ाने से पहले वो जरा भी नहीं सोचता है। वो बस सोचता है कि उसका दोस्त जो है वो सही सलामत रहे। उसके दोस्त ने एक बार उसके बचपन में एहसान किया था, उसके बाद में उसके दोस्त है देवा का, सुकुमारन, पृथ्वीराज सुकुमारन का जो करेक्टर है, उन्होंने एक बार और बचाया था उसकी फैमिली को। तो उसने बोला था कि जब तू बुलाएगा मैं तेरे लिए आऊँगा। सलार पार्ट वन में प्रभास जो है वो आते हैं, और जो आपने मूवी तो खैर सब लोगों ने देखी होगी, उसके बारे में क्या ही आगे बात करना। सलार पार्ट वन जो था 200 करोड़ के आसपास के बजट को लेके ये मूवी बनाई गई थी, और मूवी ने जो टोटल कलेक्शन किया था वो 750 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था। अभी पृथ्वीराज सुकुमारन सर की बात करें, तो अभी हाल ही में एक रिलीज हुई मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में नेगेटिव करेक्टर में नजर आए हैं। हालांकि पार्ट वन जो आपको सलार का देखने को मिला है, उसके अंदर भी वो नेगेटिव करेक्टर में ही आपको देखने को मिले। वैसे हालांकि अभी तक नेगेटिव करेक्टर उनका जो है वो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वो एक नेगेटिव करेक्टर ही होगा जो कि पार्ट टू में कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सलार पार्ट टू के बारे में, सलार पार्ट टू के लिए प्रशांत नील सर काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। हम वाले मूवी और प्रशांत नील दोनों एक जो तैयारी कर रहे हैं वो लगे पड़े हैं, और उन्होंने बोला है कि 2025 में 95% चांस है सलार टू का रिलीज होने के थिएटर्स में। अगर यहाँ पर मेकर्स की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं सलार टू के रिलीज करने की, या फिर मूवी के स्टार्ट होने की। अगर हम बात करें प्रभास की, तो प्रभास अभी 2898 AD कल्कि करके एक मूवी आ रही है, जिसमें प्रभास हमको देखने को मिलेंगे। उसमें दिशा पटानी, अमिताभ बच्चन, कमल हसन सर और भी कई सारे लोग हमको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें पृथ्वीराज सुकुमारन सर की, तो अभी अभी हाल ही में बड़ी मियाँ छोटे मियाँ में देखे, उससे पहले उनकी एक और मूवी रिलीज हुई जो कि द गॉड लाइफ करके एक मूवी थी, जो कि आप सस्पेंस और एक सर्वाइवल मूवी आप उसको बोल सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें आने वाले टाइम में पृथ्वीराज सुकुमारन सर की, तो उनके पास ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट और पड़े हुए हैं। उन्होंने बोला है कि मैं सलार पार्ट टू के लिए बीच बीच में इन मूवियों में से टाइम निकाल के शूट करूंगा, अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं कंटिन्यू भी शूट करूंगा। अभी ऐसा कुछ जो कन्फर्मेशन है वो आया नहीं है मेकर्स की तरफ से कि मूवी को 2025 में ही रिलीज किया जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन सर का जो आइडिया है, एक जो बातचीत करते होंगे आपस में, हमें क्या पता, हम तो समझ लो, तो उनका जो मानना है वो ये है कि 2025 के चाहे लास्ट में हो चाहे बीच में हो, मतलब बीच के बाद ही होगी वैसे तो, मूवी को 2025 में 95% जो है रिलीज किया जाएगा। तो सलार पार्ट वन आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, और सलार पार्ट टू कैसा होगा या फिर कैसा होना चाहिए, ये भी एक जो थॉट है आपके माइंड में चल रहा है वो भी आप मेरे को बता सकते हो। अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।